तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपके अपने चैनल डेली एज में आपका मोस्ट वेलकम। मैं हूं कृष्ण मुरारी। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है एसटीपी ओवरव्यू। तो एसटीपी प्लांट का मैं आज ओवरव्यू दिखाने वाला हूं। तो फ्रेंड, ये हमारा कलेक्शन टैंक है जिसे हम इन्फ्लुएंट वाटर टैंक बोलते हैं। जो रॉ वाटर होता है उसे इन्फ्लुएंट बोलते हैं और जो अपना आउटलेट होता है क्लियर वाटर उसे इन्फ्लुएंट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद ये देखिए पानी ये ब्लैक वाली लाइन के थ्रू ये वायर स्क्रीन से होता हुआ अपना एरिएशन टैंक में चला जाता है, जिसमें MLSS रहता है, हाउस ऑफ बैक्टीरिया। वो क्या करता है, जो पानी के अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो भी हमारे सस्पेंडेड सॉलिड पार्ट रहते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे डी नाइट्रिफिकेशन भी होता है और ये हमारा पंप के थ्रू ये मोटर लगा हुआ है, इससे जो है ये मथनी टाइप का होता है, पानी में रोटेट होता रहता है जिससे पानी जो है पूरे में मस्ता रहता है। इसमें से जो भी गैसें होती हैं वो निकल जाती हैं और MLSS के थ्रू जो बैक्टीरिया होता है वो उसमें से जो भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड जो रहते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी मार देता है। अब फ्रेंड, इसके अंदर अब ये आपने देखा होगा एयर का कोई सर्कुलेशन नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें क्या है, हमारा जो बैक्टीरिया है वो एरोबिक बैक्टीरिया जिसे बोलते हैं, एक एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। तो इसमें एक एनारोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है, एनारोबिक जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ज़िंदा रहता है, एक एरोबिक होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज़िंदा रहता है। तो ये हमारा एनारोबिक बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ज़िंदा रहता है। तो ये हमारा क्लेरिफायर है, वहाँ से पानी निकल के फ्रेंड क्लेरिफायर में आता है और यहाँ पर ये देखिए पंप के थ्रू मोटर के थ्रू कैसे रोटेट कर बिल्कुल हल्के मोशन में, जिससे कि इसके अंदर जो पानी है पूरा धीरे धीरे घूमता रहे केवल, जिससे क्या है स्लज जो है आराम से सेटल डाउन ना हो और पानी जो है क्लियर होके वहाँ से निकल के हमारा क्लियर टैंक में आता है, सीसी टैंक बोलते हैं जिससे, क्लियर वाटर टैंक। और ये हमारे परमिट पंप लगे हुए हैं, तीन पंप रहते हैं, परमिट सर्कुलेशन पंप, ये है स्लज रिसाइकल पंप, जो हमारा क्लियर वाटर में जो मतलब क्लेरिफायर से स्लज आ जाता है उसको दोबारा रिसर्कुलेशन करके या हम एरिएशन में दे देते हैं या ड्राई बेड में देते हैं। तो ये बाल लगा हुआ है, यहाँ से ड्राई बेड में भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट एरिएशन को भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड, कैसा लगा हमारा वीडियो, तो आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये अपना क्लियर वाटर टैंक है, पानी इस तरीके से क्लियर वाटर टैंक से होते हुए लॉन एरिया गार्डन एरिया में चला जाता है। ठीक है फ्रेंड, और जो स्लज बचता है उसे हम खाद के रूप में यूज कर लेते हैं, इस तरीके से सारा मेटल जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है।